हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पीटस अकेडमी। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स को प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं करेंट अफेयर्स के पार्ट में आगे। ठीक है, चार पार्ट आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है, ये हमारा पांचवा पार्ट है करेंट अफेयर्स में। तो आई होप कि आप लोग सभी ने चारों पार्ट को अच्छे से देख लिया होगा और उनका रिविजन कर लिया होगा। ठीक है, और आप इस लेसन को भी अच्छे से देखें और फिर इसका रिविजन जरूर कर लें। और आपको जो टेलीग्राम चैनल पर दिए जा रहे हैं और भी जो लेसन्स, उन लेसन्स को आप लोग जरूर से जरूर देख कर जाएँ और उनका रिवीजन भी करके ही जाएँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको वहाँ पर दिया जा रहा है। तो आप लोग अगर इग्नोर करेंगे तो क्वेश्चन छूटने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो प्लीज़ आप लोग देखें, ऐसा नहीं है कि बस वहाँ पर आपको लिंक दे दिया जा रहा है तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दें। अगर वो दिया जा रहा है तो वो किसी मकसद के लिए ही दिया जा रहा है, आपके अच्छे के लिए ही दिया जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से उन्हें देखें और उनका रिवीजन करके ही एग्जाम में जाए। ठीक है, और अगर आपको कोई कोई भी इश्यू है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है द इम्पीटस अकेडमी, उसका डिस्कशन ग्रुप है। आप वहाँ पर अपने क्वेश्चंस का पिक या फिर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करेंट अफेयर्स के पार्ट फाइव में शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 218 तक, यानी कि 218 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं करेंट अफेयर्स का। आज से हम लोग आज देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 219 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय शहर में हाल ही में कृषि सांख्यिकी पर आठवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कृषि सांख्यिकी पर आठवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया है। ठीक है, तो जो आपके ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं और उसका राइट आंसर देखते हैं। ठीक है, ऑप्शंस हैं जयपुर, दिल्ली, रायपुर या फिर पटना। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कृषि सांख्यिकी पर आठवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वो शुरू हुआ है आपका दिल्ली में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। आगे देखते हैं, जापान में हाल ही में किसे भारत का अपना राजदूत नियुक्त किया है। जापान ने हाल ही में भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है, यानी कि कोई जापान के जो एम्बेसडर हैं वो भारत में नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं अलपोड़ो ग्रीस, टूनो मून, सतोशी सुजुकी या फिर फेलिक्स जेम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके ही जाइएगा। ठीक है, जापान ने हाल ही में भारत को अपना राजदूत किसे बनाया है, तो सातोशी सुजुकी को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में घोषणा के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, अभ्यास मिलन, ये नौसैनिक अभ्यास आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिलन अभ्यास जो है वो किस प्रकार का है, नौसैनिक है या फिर आर्मी अभ्यास है या फिर और कुछ। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखें, नौसैनिक अभ्यास है मिलन, इसकी मेजबानी कौन करेगा 2020 में, भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या फिर नेपाल। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हमारा प्यारा देश भारत, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी भारत करेगा 2020 में। भारतीय संविधान दिवस यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे हर वर्ष मनाया जाता है कब, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है हमारे यहाँ, यानी कि हमारे प्यारे देश भारत में। चलिए देखते हैं, 26 नवंबर को, 25 नवंबर को, 27 नवंबर को या फिर 20 नवंबर को। तो जो इसका राइट आंसर है आई होप आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए, भारतीय संविधान दिवस यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 223 पे आते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है कब, 26 नवंबर को, यहाँ देखिए। ठीक है, जो किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो दुग्ध दिवस मनाया जाता है वो किनके जन्म तिथि पर मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर बेन केरेशेन, डॉक्टर फिलिप फोस्ट या फिर डॉक्टर रॉन पॉल। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया, जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 224 पे, हाल ही में फाइंडिंग द गैप्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके लेखक कौन है। फाइंडिंग द गैप्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ऑप्शंस है स्टीव डेविड, कुमार धर्मसेना, साइमल टॉफुल या फिर बिल्ली बॉडेन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक है साइमन टॉफुल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 225 पे आते हैं, इनमें से किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है। ऑप्शन है रसल विल्सन, एरन रॉजर्स, एलियुड किपचो या फिर कैनेलो अल्वा रेस। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, एलियुड किपचे को दिया गया है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019
19, ठीक है, कौन सा? ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 226 पे, यानी कि 226। किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है? देखिए यहाँ पे हम लोग, यहाँ पर देखिए पुरुष खिलाड़ी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है, पुरुष खिलाड़ी, इसका राइट आंसर आपका यहाँ सी था। अब यहाँ पे है महिला खिलाड़ी के बारे में पूछा गया है, वर्ल्ड एथलीट ईयर ऑफ द ईयर 2019 किसने जीता है, ठीक है। ऑप्शन है कैरोलिना मरीन, दलील मोहम्मद, पीवी सिंधु या फिर एलिजा मोरे। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 महिला में जीता है किसने? दलीला मोहम्मद ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखते हैं, किस राज्य ने हाल ही में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखते हैं, इनमें से किन दो ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, बाल शांति पुरस्कार जीता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसने जीता है इनमें से, ठीक है, ग्रेटा थुनबर्ग और एलिना जियोम, ग्रेटा थुनबर्ग और डिवीना मेलोम, पिकाशो मेरी और जूला केर, डिवीना मेलोम और पेरिकोम। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है, ग्रेटा थुनबर्ग और डेनिना मेलोन जो है इन्होंने जीता है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन बी, ग्रेटा थुनबर्ग और डिवीना मेलोम अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीता है इन्होंने, ठीक है। आगे देखते हैं, किस भारतीय ने हाल ही में स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता है, ठीक है, स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता है इनमें से किसने, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, श्रीकांत कितंबी, पुरपाली कश्यप, लक्ष्य सेन या फिर प्रणय कुमार। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, लक्ष्य सेन। स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने, ऑप्शन सी आपके यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखते हैं, कौन महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं? कौन महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है इसका। यहाँ पर तो ऑप्शंस को यहाँ पर काट लिया गया है, ठीक है, सही से एडिट नहीं हुआ है, तो आपको ये कमेंट करना है कि मुख्यमंत्री कौन बने हैं महाराष्ट्र के, ठीक है। ये हाल ही में मतलब 2019 में हुआ है इलेक्शन, तो आपको बताना है कि अभी जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। और मुख्यमंत्री से याद आया, आपको आप ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको एक सेपरेट लेसन चाहिए क्या, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, जो हमारे प्यारे से देश भारत में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनमें, उनके जो है मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश और उनमें उनसे इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट होंगे आपको बता दिया जाएगा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आपको उस प्रकार का लेसन चाहिए या नहीं, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 231 पे, ठीक है, 231 पे आते हैं, सॉरी, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विश्व मत्स्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कब? विश्व मत्स्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 नवंबर, 22 नवंबर, 20 नवंबर या फिर 19 नवंबर। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो गया, विश्व मत्स्य दिवस जो है वो मनाया जाता है हर वर्ष 21 नवंबर को, ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दुल्हनों के लिए योजना शुरू की है? दुल्हनों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है राज्य सरकार द्वारा? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम या फिर पंजाब। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, असम ने दुल्हनों के लिए एक योजना शुरू की है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे अच्छा, यहाँ पर जो है योजना है उसके बाद उसका नाम जो है यहाँ पे कट गया है, ठीक है। तो इसका जो योजना है वो है अरुंधति स्वर्ग योजना। कौन सा? अरुंधति स्वर्ग योजना, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। असम सरकार ने जो है वो दुल्हनों के लिए अरुंधति स्वर्ग योजना शुरू किया है। यहाँ पे एडिटिंग थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, ठीक है, तो आप लोग नाम जरूर याद रख लीजिए, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुंधति स्वर्ण योजना ये किया गया है असम सरकार द्वारा दुल्हनों के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखते हैं, किस अभिनेत्री ने हाल ही में सी गाट री नामक अभियान शुरू किया है? ठीक है, किस अभिनेत्री ने हाल ही में सी गाट री नामक अभियान शुरू किया है? ठीक है, ऑप्शन है अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी या फिर कैटरीना कैफ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? ऑप्शन डी, कैटरीना कैफ।
कैफ, यहाँ पर हम लोग 232 जो नंबर क्वेश्चन है, असम सरकार और नाम याद रख लीजिएगा, रुधंती स्वर्ण योजना दुल्हनों के लिए, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, कैटरीना कैफ। सी गाट रीन नामक अभियान जो है वो कैटरीना कैफ ने शुरू किया है, ठीक है, ऑप्शन डी आपके यहाँ पे राइट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 234 पे। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पहला हिंदी समाचार पत्र जिसका नाम है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश में जो है ये पहला हिंदी समाचार पत्र लाया गया है जिसका नाम है अरुण भारत, हिंद जहां, अरुण भूमि या फिर महाका भारत। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अरुण भूमि। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में एक पहला हिंदी समाचार लॉन्च हुआ है जिसका नाम है अरुण भूमि, ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ठीक है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है ये आपको बताना है, ऑप्शंस क्या क्या है चलिए देखते हैं, राणा विक्रम सिंघे, कुशल मैथ्यूज, महिंद्रा राजपक्षे या फिर अनिंदा राजपक्षे। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो है वो बने हैं महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। जारी फॉर्च्यून के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 में किसे शीर्ष स्थान दिया गया है, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 फॉर्च्यून द्वारा, ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि अलग अलग जो है वो दिए जाते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया आपसे फॉर्च्यून के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, ठीक है, आइए ऑप्शंस को देखते हैं, अजय बंगा, सत्या नडेला, जयश्री उल्लाल या फिर मार्क जकरबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सत्या नडेला। फॉर्च्यून के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 में शीर्ष स्थान मिला है सत्या नडेला को, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखते हैं 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन जुबली पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है गोल्डन जुबली पुरस्कार से, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है कौन सा है ये हमें यहाँ पर सीखना है। तो चलिए पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं, ऑप्शन है आपका रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर या फिर ऋषि कपूर, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 237 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, रजनीकांत, ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है आपका, रजनीकांत दिया गया है गोल्डन जुबली पुरस्कार, ठीक है, रजनीकांत का ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखते हैं, पेटा इंडिया ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है, पेटा इंडिया ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है, ऑप्शंस देख लेते हैं, अमित शाह, सलमान खान, विराट कोहली या फिर अरविंद केजरीवाल। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, ठीक है, पेटा इंडिया ने हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर चुना है विराट कोहली को, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी भारत की सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2018 के अनुसार कौन सा राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर है, मतलब कि सड़क सड़क दुर्घटना जो है सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में होती है वो आपको बताना है, एक रिपोर्ट के अनुसार जो है वो बताया गया यहाँ पे, ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 239 पे आते हैं, हाल ही में जारी भारत की सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2018 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन है आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है, सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2018 के अनुसार जो है पहला स्थान मिला है तमिलनाडु को, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कब, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस यानी कि इंटरनेशनल मेंस डे जो है वो कब मनाया जाता है, ऑप्शन है 19 नवंबर, 18 नवंबर, 14 नवंबर या फिर 15 नवंबर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। हाल ही में किसे वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु चुना गया है, यानी कि किसे जो है 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाने वाला है 2019 का, तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस को, पीटर मूर, एडन हूज, करीर लेविस या फिर डेविड एटन बरो, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, डेविड एटन बरो को दिया जाएगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 का दिया जा चुका है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, डेविड एटन बरो का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019। आगे देखते हैं, शरद अरविंद बोबड़े ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है, यानी कि अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, शरद अरविंद बोबड़े, ऐसे बोबड़े, ठीक है, उनका जो है स्थान कौन सा है चीफ जस्टिस के रूप में, ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है आइए देखते हैं, 45वें, 47वें, 49वें या फिर 55वें। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी, 47वें नंबर पे है शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति जो है वो कौन बने हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 243 में है, कौन श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, निदिन कुमारा, पुष्प कुमारा लहरी, गोताबाया राजपक्षे या फिर एडन जयसूर्या। तो ये इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, गोताबाया राजपक्षे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ये श्रीलंका के 8वें यानी कि 8th प्रेसिडेंट है, ठीक है। श्रीलंका के 8th प्रेसिडेंट कौन है, गोताबाया राजपक्षे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 244 पे, ठीक है। कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ की पहली एथलीट आयोग में चुनी गई हैं, ठीक है। कौन जो है एथलीट में चुनी गई हैं पहली बार। ऑप्शंस क्या क्या है आइए देखते हैं, मेरी कॉम, सरिता देवी, जमुना बोरो या फिर मंजू रानी। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ की पहली एथलीट आयोग में चुनी गई है सरिता देवी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों हेतु ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ई गन्ना मोबाइल ऐप जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो गया, किसानों हेतु ई गन्ना मोबाइल ऐप जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप, ठीक है। ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर असम। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी असम, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। और अरुंधति स्वर्ण योजना जो है वो किस राज्य सरकार ने शुरू की है, वो भी असम ने, वो किसके लिए, तो दुल्हन के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, मिशन गगनयान हेतु कितने संभावित यात्रियों को चुना गया है। मिशन गगनयान हेतु कितने संभावित यात्रियों को चुना गया है। ऑप्शन देखते हैं, 10, 12, 15 या फिर 8। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है 12। इनमें से किसने हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है, यानी कि मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं अभी कौन बने हैं। आइए ऑप्शंस को देखते हैं, न्यायमूर्ति कमल जहां, न्यायमूर्ति नरसिंह वर्मा, न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक या फिर न्यायमूर्ति आशीष जैन। राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं मोहम्मद रफीक, न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 249 पे, हाल ही में किस भारतीय को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड के रूप में चुना गया है, ठीक है। न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुना गया है, ठीक है। ऑप्शन है प्रियंका गांधी, नीता अंबानी, अनुष्का शर्मा या फिर नीलम राव। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है, नीता अंबानी को चुना गया है न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड के रूप में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया है, ठीक है। किस देश के जो राष्ट्रपति हैं वो इस बार जो 26 जनवरी 2020 में जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, ठीक है। तो उनका जो है किस देश से वो संबंधित है ये बताना है आपको, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। वही आए थे राष्ट्रपति, मुख्य ब्राजील के राष्ट्रपति जो हमारे मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस 2020 में, ठीक है। तो ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है आपको ये कमेंट करके बताना है। भारत में हर वर्ष बाल दिवस मनाया जाता है कब, भारत में बाल दिवस मनाया जाता है कब, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखते हैं, 14 नवंबर, 12 नवंबर, 15 नवंबर या फिर 13 नवंबर। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है, बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हुआ, वह कौन थे। वशिष्ठ नारायण सिंह कौन थे ये आपको बताना है, गणितज्ञ, नायक, चित्रकार या फिर अभिनेता। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, वशिष्ठ नारायण सिंह एक गणितज्ञ थे। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है, ठीक है। पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। यहाँ पर देखिए पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ऑप्शन है अशोक नागर, तरुण धावन, सुंदर सिंह गुर्जर या फिर रंजीत सिंह चौधरी, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सुंदर सिंह गुर्जर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर, ये है पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, भाला फेंक प्रतियोगिता। आगे देखते हैं, हाल ही में किस मंत्री को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है, सौंपा गया है, ठीक है। किस मंत्री को भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, ठीक है। ऑप्शन है स्मृति ईरानी, ए के एंटोनी, प्रकाश जावड़ेकर या फिर धर्मेंद्र
प्रधान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 255। हाल ही में जारी संसदीय समिति के रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रथम वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है? प्रथम वर्ष या फिर प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष जो है कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है, 62%, 68%, 55% या फिर 38%। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 68% जो कैंसर रोगी होते हैं उनमें उनकी मृत्यु हो जाती है हर वर्ष। आगे देखते हैं, मैक्सिको ने बोलिविया के किस पूर्व राष्ट्रपति के देश में जो है वो शपथ ली है? ठीक है, ऑप्शंस है इवो मोरालेस, केनिन पेडो, एलजेरो जोसेफ या फिर एमोर जॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, एवो मोरालेस। ठीक है, एवो मोरालेस ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य के अयोग्य अयोग्य विधायकों पर फैसला देते हुए उन्हें भी चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है? यानी कि जो अयोग्य विधायक हैं वो फिर भी जो है वहां से चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है, मणिपुर, कर्नाटका, गोवा या फिर हरियाणा। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है, यहाँ पे कर्नाटका में जो है अयोग्य विधायकों हैं उन पर फैसला देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वे भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, कर्नाटका। आगे देखते हैं, किस राज्य ने हाल ही में अगले 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया है? यानी कि 6 महीने के लिए जो है राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हुआ था। ऑप्शंस क्या क्या हैं देख लेते हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है फिर भी हम लोग ये देख लेते हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर गुजरात। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी है, क्योंकि उस समय जो महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ तो वहां पर जो है दो गुटों में थोड़ा सा ये मतभेद हो गया था कि उस समय जो है ये इनके तरफ हो रहा था उस समय, तो इसलिए जो है वहां पे एक फैसला नहीं लिया गया था एक टाइम ऑफ पीरियड, उतने समय तक चुनाव के बाद इतने समय तक जो बन जाना चाहिए मुख्यमंत्री वो उस समय तक नहीं बना था, इसलिए वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए जो है वहां पर राष्ट्रपति लागू हुआ, तो उसके बाद जब महाराष्ट्र में जो सीएम बने तो राष्ट्रपति लागू शासन जो है वो खत्म किया गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है फिर भी हम लोग यहाँ पर सीख लिए। आगे देखते हैं, हाल ही में मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? ठीक है, मकड़ी की एक प्रजाति खोजी गई है जिसमें किन व्यक्ति के नाम पर नाम रखा गया, अरुण जेटली, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी या फिर सुषमा स्वराज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, मकड़ी की एक प्रजाति खोजी गई है जिनका नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ डिक कैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, आई होप कि आप सभी ने रिवीजन कर लिया होगा और आपको याद भी होगा। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा इसका राइट आंसर है, यूनिसेफ के दैनिक काय मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है प्रियंका चोपड़ा को। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा स्थान है? यानी कि भारत में जब क्लाइमेट रिस्क है उसमें इंडेक्स के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा स्थान है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी है, पांचवें स्थान पर है। ठीक है, आगे देखते हैं, 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मालदीव को भारत में निर्मित कौन सा तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप दिया गया है? ठीक है, मालदीव को दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है एक तटरक्षक जहाज उपहार के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, चलिए देख लेते हैं कि उस जहाज का नाम क्या है, मतलब तटरक्षक जहाज का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, करंज, कामयाब, रक्षक या फिर दीमक, दीपक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कामयाब जो है तटरक्षक जहाज उसे दिया गया है मालदीव को स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे देखते हैं, 5 दिसंबर 2019 को स्टॉप्स वैली रीजन सेव आवर फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? यानी कि आपको ये बताना है कि 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, विश्व जलवायु दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व मृदा दिवस या फिर विश्व जल दिवस। तो यहाँ पर देखिए सॉयल है, सॉयल मतलब क्या होता है, मिट्टी। तो देखिए विश्व मृदा दिवस आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखते हैं, 4 दिसंबर 2019 को किसे पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के रूप में नामित किया गया है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, चलिए देखते हैं ऑप्शंस को, मार्क मारन, टोड फेलिक्स, जैक निकोलसन या फिर जोविक फोनिक्स। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी। ये देखिए जो जोविक फोनिक्स है ये इंटरनेशनली दिया गया है। ठीक है, और एक विराट कोहली को भी दिया गया है वो नेशनली है। यानी कि भारत में किसे दिया गया है पर्सन ऑफ द ईयर 2019,
पेटा के द्वारा, तो विराट कोहली को, और इंटरनेशनली जो है वो दिया गया है जोविक फोनिक्स को 2019 पर्सन ऑफ द ईयर पेटा के द्वारा। तो दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, आपको एग्जाम में क्लियर कर दिया जाएगा कि आप भारत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है फिर इंटरनेशनली, ठीक है। तो इंटरनेशनली में जोविक फोनिक्स और भारत में विराट कोहली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। आगे देखते हैं, 5, 2 दिसंबर 2019 को विराट कोहली ने किसे पछाड़कर आईसीसी टैप रैंकिंग, सॉरी टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शंस हैं डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ग्लैन मैक्सवेल या फिर जो रूट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फिर से नंबर वन स्थान हासिल कर लिया है विराट कोहली ने। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पोषण एंथम लिखा है, भारतीय पोषण एंथम किसने लिखा है, ठीक है। ऑप्शंस को देखते हैं, एहसान नूरानी, जावेद बशीर, प्रसून जोशी या फिर विशाल खुराना। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है यहाँ पे, ठीक है। भारतीय पोषण एंथम लिखा गया है प्रसून जोशी के द्वारा। राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी है। आगे देखते हैं, हैंड इन हैंड भारत और किसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, हैंड इन हैंड 2019, ठीक है। ऑप्शन है मालदीव, रशिया, श्रीलंका या फिर चाइना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया, हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच होता है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। आगे देखते हैं, दिसंबर 2019 में भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस भारतीय राज्य में शहरी सेवाओं को मजबूत करने के लिए 206 मिलियन डॉलर डॉलर मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन है तो देख लीजिए, ठीक है, तमिलनाडु। आगे देखते हैं, वॉलीबॉल में भारतीय पुरुष टीम को ने किस देश को हराकर 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा और रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या फिर श्रीलंका। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी पाकिस्तान। भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को हराकर 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है वॉलीबॉल में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय मूल को डेमोक्रेटिक सांसद का नाम दिया गया जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से अपना नाम वापिस ले लिया है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, कमला हैरिस, अर्चना मॉरिसन, सुजाता डेनियल या फिर अलका सैमसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कमला हैरिस, ठीक है। आगे देखते हैं, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, 4%, 6%, 7% या फिर 5%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 5%, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वीडन के शासक का नाम क्या है जो हाल ही में 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। स्वीडन के शासक का नाम आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस हैं कार्ल 16, गुस्ताफ, मार्क एंटोनियो, जोसेफ मोनाको फोर या फिर एडविन ब्रोजालो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, स्वीडन का शासक का नाम क्या है, कार्ल 16, गुस्ताफ, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर को पूरे शहर में फ्री वाईफाई देने की घोषणा की, फ्री वाईफाई अभी कौन से देश में चल कौन से शहर में कौन से राज्य में अभी चल रहा है आप सभी को पता होगा, ठीक है। हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली में जो है पूरे वाईफाई फ्री वाईफाई देने की घोषणा की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, अमेरिका ने किस देश को हाल ही में 10 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता राशि दी है, सैन्य सहायता यानी कि जो आर्मी होते हैं टाइप के सहायता, उस प्रकार के सहायता दी गई है 10 करोड़ डॉलर का अमेरिका के द्वारा, ठीक है। अमेरिका के द्वारा जो है डॉलर दिया गया है 10 करोड़ डॉलर किसे। ऑप्शंस को देखते हैं यहाँ पे, ईरान, अफगानिस्तान, लेबनान या फिर पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, लेबनान को दिया गया है अमेरिका के द्वारा 10 करोड़ डॉलर। आगे देखते हैं, किस दिन विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो है हमारा ऑप्शन सी, 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, रेटिंग एजेंसी क्रिशिल ने 2019-20 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को 6.3% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है, 5 फीसदी, 5.1 फीसदी, 5.5 फीसदी या फिर 6.1 फीसदी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, 5.1 फीसदी कर दिया गया है 6.3 से, ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, किस देश ने हाल ही में अमेरिकी सेना पर गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है, अमेरिकी सेना और गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है किस देश ने, ठीक है। ऑप्शंस का क्या है आइए देखते हैं, चीन,
नेपाल, बांग्लादेश या फिर रशिया। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। चीन ने घोषणा किया है कि अमेरिकी सेना और गैर सरकारी संगठनों पर वो प्रतिबंध लगाएगा। राइट आंसर आपका ए है, चाइना। आगे देखते हैं, कर्नाटका के किस तेज गेंदबाज ने T20 में 1 ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, यानी कि T20 के एक ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं कर्नाटका के। ठीक है, ऑप्शन है विनय कुमार, मयंक अग्रवाल, अभिमन्यु मिथुन या फिर वरुण नायर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अभिमन्यु मिथुन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर है, अभिमन्यु मिथुन। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी यानी कि JJP को राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया है। राज्य स्तरीय दल है, राष्ट्रीय नहीं है। ठीक है, राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया है भारतीय निर्वाचन आयोग ने। ऑप्शंस हैं हरियाणा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा की पार्टी है जननायक जनता पार्टी, JJP। ठीक है, इसको दिया गया है राज्य स्तरीय दल। ये कहाँ की पार्टी है? हरियाणा की। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। किस देश में ब्यूबोनिक प्लेग के कुछ मामले सामने आए हैं? ब्यूबोनिक प्लेग जो है उसके मामले सामने आए हैं, वो मतलब कि कहाँ आया है रिसेंटली। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, चीन या फिर रशिया। यहाँ पे राइट आंसर आपका चीन है। अभी रशिया, चाइना में जो है वो कौन सा वायरस के चर्चा हो रहा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कोरोना वायरस। चलिए हमें बता दिए। आगे देखते हैं, माँ गृधा कश्य स्विदंतम किस किसका आदर्श वाक्य है जिसे हाल ही में जारी किया गया है? ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो, लोकपाल, सतर्कता आयोग या फिर वित्त मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, लोकपाल। पहले लोकपाल कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसरो द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए भारतीय निगरानी सैटेलाइट कार्टोसैट 3 को किस लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया? यहाँ देखिए, निगरानी सैटेलाइट ही आपसे पूछा जा सकता है कि कार्टोसैट 3 जो है वो किस प्रकार का सैटेलाइट है, तो आप याद रखिएगा निगरानी सैटेलाइट है। ठीक है, किस किस व्हीकल द्वारा जो है लॉन्च किया गया है ये हमसे पूछा गया यहाँ पे, तो ये है PSLV C-47। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, PSLV C-47। ठीक है, कितना? C-47। आगे देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों को सरकारी आवास में कितने साल तक रहने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है? यानी कि जो शहीद होने वाले सैनिक हैं उनके परिजनों यानी कि जो उनके फैमिली हैं उनके सरकारी आवास में कितने साल तक रहने की अनुमति देने वाली प्रस्ताव को मंजूरी दी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, वो लोग जो है 1 साल तक वो रह सकते हैं सरकारी आवास में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर या फिर 24 नवंबर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, किस सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी 2020 को सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? किस सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? बिहार, केरला, राजस्थान या फिर पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बिहार। ठीक है, बिहार सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर। आगे देखते हैं, नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए इलेक्ट्रिक विमान का नाम क्या है? नासा द्वारा जो लॉन्च किया गया हाल ही में इलेक्ट्रिक विमान उसका नाम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है X-21 टर्बाइन, X-57 मैक्सवेल, IA-67 SKY या फिर MP-11 लेवल। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, X-57 मैक्सवेल। ठीक है, X-57 मैक्सवेल इसका राइट आंसर है। तो ये है करेंट अफेयर्स के पार्ट 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, इनको याद करके फिर से रिवीजन करिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से देखकर इन्हें याद करें और रिवीजन करें। अगर लेसन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो इसे देखें, समझें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं कल के क्लासेस में। थैंक यू।